तो आज है 31 मार्च 2023, और 29 मार्च 2023 को इसरो जो कि नासा का सबसे बड़ा अंडा है भारत का, उस इसरो ने पृथ्वी की कुछ इमेजेस जारी करी 29 मार्च 2023 को, जो कि तथाकथित सैटेलाइट से ली गई थी। तो इन्हें ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि ये क्या हैं, तो आपको भी ज़रा बता देते हैं। और हो सकता है इस वीडियो को देखने कुछ इसरो के बच्चे भी आ सकते हैं, जो कि ख्वाब देखते हैं इसरो में जाने का, ऐसे बच्चों को थोड़ा झटका लग सकता है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या है ये। तो हेडिंग पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ग्लोबल फॉल्स कलर कंपोजिट मोज़ेक। अब इतने भारी भारी शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेचारे जो अर्ध शिक्षित लोग होते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, वो तो सोचेंगे हाँ भाई कुछ होगा, टेक्निकल शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं जितना ये तथाकथित साइंटिस्ट पढ़े लिखे हैं। तो मैं ज़रा आपको इनकी औकात बता देता हूँ कि ये क्या लिखा गया है। ग्लोबल, ये तो कोई भारी शब्द नहीं है, समझ सकते हैं। ग्लोबल यानी कि ग्लोब से संबंधित, एक ग्लोब का चित्र, ठीक है। फॉल्स कलर कंपोजिट, इनसे इन्हें हम पैसा दे रहे हैं फॉल्स कलर कंपोजिट बनाने के लिए। अब ये ट्रू दिखाना, फॉल्स क्या दिखा रहा है। चलिए, कलर कंपोजिट है ये। कंपोजिट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कंपोजिट का मतलब ये होता है बहुत सारी इमेजेस को कंबाइन करके जो एक इमेज बनाई जाती है नई, बहुत सारी इमेजेस को जो कंबाइन करके एक नई इमेज बनाई जाती है, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट। अगेन मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब जैसे मैं आपको दिखाया था मोज़ेक का क्या मतलब होता है, ये देखिए। जैसे बचपन में हम बहुत सारे पीसेस को जोड़ के पज़ल बनाते थे, तो उसे बोलते हैं मोज़ेक, इस प्रकार का, ठीक है, ये मोज़ेक होती है। तो ये इन्होंने बहुत सारे इमेजेस को कंबाइन करके जो एक नई इमेज तैयार करी है, नया कार्टून तैयार करा है बेसिकली। कार्टून में क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। तो वो है ये साहब, हम इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक रियल फोटोग्राफ ऑफ अर्थ दें, जो कि इन्होंने सैटेलाइट से ली है, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट। हम क्या डिमांड कर रहे थे, ट्रू रियल फोटोग्राफ ऑफ अर्थ, दे क्या रहे हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट। चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि इन्होंने कंपोजिट भी जो बनाया है, इसकी भी अभी औकात आपके सामने अभी रख देता हूँ। ये देखिए, ऊपर से काट दिया, नीचे से काट दिया, क्यों काटा है इसका भी मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। वो इसलिए काटा है कि जब मैंने इनसे RTI में पूछा था कि पृथ्वी एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो ये बोलते हैं कि जो हम सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट से जो इमेज लेते हैं पृथ्वी की, उसमें हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक ओबेलॉइड स्फेरॉइड नज़र आती है हमें, इस कारण से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक एनक्लोज्ड सरफेस है, ओबेलॉइड स्फेरॉइड है। तो हम ना बता सकें कि इसका शेप क्या है एग्जैक्ट, इसलिए इन्होंने ऊपर और नीचे से काट दिया है, ठीक है, क्योंकि ओबेलॉइड स्फेरॉइड की पहचान जो होती है वो यहीं से होती है कि ऊपर से दबा हुआ होना चाहिए, नीचे से दबा हुआ होना चाहिए। हालांकि जो बाकी स्पेस एजेंसियां वो तो परफेक्ट स्फीयर दिखाती हैं और कोई ओबेलॉइड स्फेरॉइड नहीं दिखाता, लेकिन बोलते हैं कि ओबेलॉइड स्फेरॉइड होता है, लिख के भी यही देते हैं, ठीक है, लेकिन दिखाते नहीं है कभी ओबेलॉइड स्फेरॉइड। ऊपर और नीचे से इन्होंने इसीलिए काट दिया ताकि हम वेरीफाई ना कर सकें ये ओबेलॉइड स्फेरॉइड है या नहीं है। खैर, वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें ओबेलॉइड स्फेरॉइड तक, क्योंकि ये क्या है, ये कोई फोटोग्राफ तो है नहीं पृथ्वी का भाई। ओबेलॉइड स्फेरॉइड तो हम जब देखते ना, कि जब हमें ये बोलते कि ये फोटोग्राफ है साहब अर्थ का, अब आप इसमें देख के बताओ, ये कोई फोटोग्राफ तो है नहीं, ये एक इमेज है, और ये इमेज भी नहीं है, ये कॉम्पोजिट इमेज है, यानी कि बहुत सारी इमेजेस को कंबाइंड करके कंपोजिट तैयार किया गया है, वो है ये बेसिकली। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक इमेज में और एक फ़ोटोग्राफ में क्या अंतर होता है, तो आप समझिए कि इमेज और फोटोग्राफ में क्या अंतर होता है। आप पढ़ सकते हैं, इमेज एनी विजुअल ऑब्जेक्ट दैट्स मॉडिफाइड और एल्टर्ड बाय अ कंप्यूटर और एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। इमेज का मतलब ये होता है कोई भी एक विजुअल ऑब्जेक्ट है
जिसको हमने एल्टर करा गया है कंप्यूटर में या इमेजिनेशन से क्रिएट करा है, वो होती है एक इमेज, ठीक है। और जबकि फोटोग्राफ क्या होता है, फोटोग्राफ वो होता है जो हम कैमरा से जो क्लिक करके जो लेते हैं शॉट, वो होता है फोटोग्राफ। तो कोई फोटोग्राफ नहीं है, ये इमेज है। और ये इमेज भी नहीं है, ये ऐसी पता नहीं इमेजनरी ऐसे इमेजेस को कंबाइंड करके, कंपोजिट करके जो एक चित्र बनाया गया है, यानी कि बहुत सारी इमेजनरी विजुअल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो चित्र बनाया गया है उसे बोलते हैं कंपोजिट इमेज, ठीक है। तो ये कंपोजिट इमेज है, समझिए आप। मतलब बहुत सारे फोटोग्राफ्स को कंबाइन करके नहीं बनाया इन्होंने, जैसा कि बहुत सारे फर्जी विज्ञान के दलाल कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, बोलेंगे साहब ये हमने कंपोजिट इसलिए बनाया है क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी से इतना ऊंचा नहीं उड़ता है, तो वो सैटेलाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का ही फोटोग्राफ ले पाता है, पूरी पृथ्वी का एक बार में फोटोग्राफ नहीं ले पाता है, इसलिए हमने मजबूरी में बहुत सारी अलग अलग जगहों पर उड़ा के पृथ्वी के ऊपर उनको कंबाइन करके एक इमेज तैयार करी है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन दलालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स को कंबाइन करके इमेज नहीं बनाई है, ये बहुत सारी इमेजेस को कंबाइन करके एक नई इमेज तैयार करी है। दोबारा इस ट्वीट को आप दोबारा पढ़िए, ग्लोबल फॉल्स कलर कंपोजिट मोजैक जनरेटेड बाई NRSC/ISRO यूजिंग इमेजेस। ये जो कंपोजिट तैयार किया गया है ये इमेजेस से तैयार किया गया है, और इमेज अपने आप में एक इमेजनरी चीज़ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो कंपोजिट है ये फोटोग्राफ से भी तैयार नहीं किया गया, ये इमेजेस से तैयार करा गया है, जो कि इमेज अपने आप में एक इमेजनरी चीज़ थी। ऐसी बहुत सारी इमेजनरी चीज़ों विजुअल चीज़ों से कंबाइन करके एक नई इमेजनरी कंपोजिट तैयार किया गया है। जो चीज़ बहुत सारी इमेजिनरी विजुअल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके तैयार होगी तो कोई रियल चीज़ तो हो नहीं सकती वो, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी चीज़ है जो कि आपको दिखाई जा रही है, और ये मैंने टेक्निकली आपको साबित कर दिया है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए, इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर भी इतना घटिया हायर करा है, पता नहीं किस वेबसाइट से हायर करा है या फिर जो टैक्स पेयर का जितना पैसा ये खा जाते हैं ये इसरो नासा के सबसे बड़े दलाल जो हैं, ढंग का अगर उसका 1-2% पैसा भी अगर ये ग्राफिक डिज़ाइनर को दे देते तो ये देखिए क्या क्या बनाया है इन्होंने, यहाँ से कितने कट लग रहे हैं इसमें, ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा गैप आपको नज़र आ रहा होगा, ढंग से इसने पेस्ट भी करना नहीं आया इसको, इतना घटिया ग्राफिक डिज़ाइनर इन्होंने हायर करा है इसको बनाने के लिए। तो ये है इनकी असली औकात। तो उसमें एक ऑप्शन आता था जिसमें आप जा सकते थे और मीडिया को सर्च कर सकते थे, मीडिया को देख सकते थे। उस समय जब आप मीडिया पर क्लिक करते थे तो कम से कम इन्होंने 4-5 इमेजेस डाल रखी थी पृथ्वी की, वो भी आधी कटी कटी, जिसका जिक्र मैं पहले अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुका हूँ। अब इन्होंने साहब अपनी नई डिज़ाइन करी है वेबसाइट, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ घुसेड़ दिया इन्होंने वो गैलरी का ऑप्शन, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि दिखाना पड़ जाएगा पृथ्वी के और फिर उस पर सवाल उठेंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं ना। अभी देखिए, अब हमें जाते हैं इसरो की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर, ये इसरो का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। इसमें इन्होंने दुनिया भर के फर्जीवाड़े के, दुनिया भर के प्रोपोगंडे के फ़ोटोज़ डाल रखे हैं,
ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये देखिए दूसरे का CGI वीडियो है दूसरी स्पेस एजेंसी का, इसका प्रमोशन। और देखिए दुनिया भर के प्रोपोगेंडा के लोग देखने आए हैं सैटेलाइट को, किसी ने पेंटिंग बना के डाली है तो वो भी चिपका दी यहाँ पे। यहाँ का चेयरमैन अवार्ड ले रहा है, फलाना फीता काट रहे हैं, दुनिया भर के फर्जीवाड़े प्रोपोगेंडे की तस्वीरें डाल रखी हैं और तमाम सैटेलाइट की डाल रखी हैं जो कि उड़ के सीधा आगे जाके समुद्र में गिर जाती हैं। लेकिन कोई भी इन्होंने पृथ्वी की कोई भी फोटोग्राफ नहीं डाली, फोटोग्राफ छोड़ो इमेज भी नहीं डाली, क्योंकि प्रश्न उठेंगे फिर उस पर। देखिए पृथ्वी की कोई इमेज नहीं है, दुनिया भर के फर्जीवाड़े प्रोपोगेंडे की इमेज हैं, पृथ्वी की कोई इमेज नहीं है, कोई इमेज नहीं है पृथ्वी की। तो ये है इनकी औकात जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि ये जो फ्रॉड चल रहा है एजुकेशन के नाम पे, स्पेस मिशंस के नाम पे, इस फ्रॉड का खात्मा जल्दी से जल्दी किया जा सके। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया और कौन हैं वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368-1386-38 पर व्हाट्सएप कीजिए।